नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को शहडोल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम मोहन यादव पहली बार शहडोल आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री कल सुबह 11:30 बजे शहडोल पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम सबसे पहले पंडित असंत शुक्ला विश्वविद्यालय में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जन आभार यात्रा में शामिल होकर रोड शो करेंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर सर्किट हाउस में भोजन के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम करीब 5 घंटे शहडोल में समय बिताएंगे, जिसके बाद वे जबलपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी कुमार प्रतीक ने बताया कि करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं यातायात को लेकर रूट डायवर्ट भी किया गया है। व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें जो पहला कार्यक्रम है पॉलिटेक्निक का विश्वविद्यालय का, और उसके उपरांत रोड शो उपरांत जो पॉलिटेक्निक का कार्यक्रम है, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, पूरी ड्यूटियां लगाई जा चुकी है। फोर्स की ब्रीफिंग अभी करके रिहर्सल की जाएगी और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई जा रही है। कितने जवान और अधिकारी लगे इसमें? 500 से अधिक जवान और राजपत्रित अधिकारी 15 से ऊपर लगे हैं। पूरी व्यवस्था इसमें चाक चौबंद बनाई गई है। सर, रोड शो का भी आज कहां से कहां तक होगा और उसके तमाम ट्रैफिक अभी क्या क्या रहा है? इसमें जो रोड शो का अभी तक प्लान है वो अम्बेडकर चौक से पॉलिटेक्निक ग्राउंड तक का है, और इसमें जो ट्रैफिक पर प्लान है वो डिटेल्ड प्लान आज शाम में प्रेस नोट में भी आपको जारी कर